इस वक्त की बड़ी खबर, यूपीएसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। ज्वेलर्स से हुई 90 लाख की लूट का खुलासा। गुजरात के सूरत में हुई हत्या का खुलासा। बड़ी खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। लूट में शामिल मास्टरमाइंड शाहिद उर्फ बाबा गिरफ्तार। आरोपी के ऊपर कई मामले हैं दर्ज। तो वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूपीएससीएफ को बड़ी सफलता मिली है, कहां से गिरफ्तार किया गया है शाहिद अली और इसी के साथ किन धाराओं में मुकदमा दर्ज था? देखिए कीर्ति, प्रतापगढ़ के एक इलाके में ज्वेलर्स के यहाँ एक बड़ी डकैती हुई थी जिसमें 90 लाख की जो रकम थी वो कई बदमाशों द्वारा लूटी गई थी और उसमें से कई ऐसे लोग थे जो लंबे समय से फरार चल रहे थे और सबसे बड़ा नाम शाहिद उर्फ बाबा का था और इसकी गिरफ्तारी आज लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हुई है और यूपीएससीएफ को ये बड़ी कामयाबी मिली है। कुल इसमें 8 आरोपी थे और पहले ही 7 आरोपियों को पुलिस अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर चुकी है। लगभग जो 90 लाख की जो डकैती की जो ज्वेलरी थी, जो कैश था, पुलिस उसमें से लगभग 70 से 80% उसमें का माल बरामद कर चुकी है। फिलहाल इसके ऊपर 50,000 का इनाम था और ये कहा जा रहा है कि शाहिद अली और बाबा इसके ऊपर एक गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट लीग का एक केस भी था जो उसको वर्कआउट किया है और उस केस को भी खोला है। बड़ा अपराधी था और इसके ऊपर लगभग तकरीबन 10 मुकदमे पहले से ही अलग अलग अपराधों में लिप्त इसके ऊपर दर्ज है और ये कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक बड़ा इनाम रखा गया था और यूपीएससीएफ को इस अपराधी की लंबे समय से तलाश थी जिसको आज कामयाबी मिली है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। जी बिल्कुल, इसके साथ ही जो अन्य साथी इसमें लिप्त पाए गए थे, क्या उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है या अभी दबिश दी जा रही है? इस पूरे डकैती कांड में कुल 8 आरोपी थे जिनको 7 जो आरोपी पहले थे उनको अलग अलग इलाकों से पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका और यही एक आखिरी अपराधी था जिसके ऊपर एक बड़ा और 50,000 का इनाम था और इसको यूपीएससीएफ ने गिरफ्तार किया। यानी कि कुल जो इस घटना में संलिप्त लोग थे, जो अपराधी थे, उन सभी की गिरफ्तारी लगभग हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शिवाजी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है जैसा कि बताया शिवा ने कि बाकी जो 8 लोग संलिप्त थे उसमें से 7 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 8वीं बड़ी उपलब्धि मिली है शाहिद अली को उर्फ बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनामी आरोपी था ये, काफी लंबे समय से फरार था, कई मुकदमे भी दर्ज है इसके ऊपर। वहीं लखनऊ से इस वक्त की अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी में बड़े पैमाने पर चिकित्सा अधिकारियों के तबादले। डॉक्टर चंद्रप्रकाश संयुक्त निदेशक बस्ती मंडल बने। डॉक्टर चंद्रप्रकाश को अपर निदेशक बस्ती मंडल का अतिरिक्त चार्ज। डॉक्टर सतीश कुमार श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक। डॉक्टर आशु पांडे संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ। डॉक्टर राजेंद्र कुमार गुप्ता मंडलीय सर्विलांस अधिकारी प्रयागराज बनाए गए। तो कई बड़े तबादले किए गए हैं, लगातार आप नाम देख रहे हैं कि किन किन लोगों के तबादले किए गए हैं। इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मार्तन जुड़ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी मार्तन जी, किस आधार पर ये जो तबादले किए गए हैं वो किए गए, क्योंकि लगातार कोरोना को लेकर क्या जो कमियां पाई जा रही थी उसको आधार बनाया गया है इन तबादलों के पीछे? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ा था पूरे प्रदेश में और एक हॉटस्पॉट बन गया था उत्तर प्रदेश, अगर देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा आंकड़े उत्तर प्रदेश से आ रहे थे और लगातार जो है कई जगह अव्यवस्थाओं की शिकायतें थी। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों में भ्रमण कर रहे थे और रियलिटी चेक कर रहे थे एक तरह से कहा जाए और रिपोर्ट ले रहे थे अधिकारियों के बारे में कि किस तरीके से व्यवस्था की गई और कोरोना प्रोटोकॉल का जो भी मानक था उसको पालन किया गया कि नहीं और आम जनता को कितनी राहत पहुंचाई गई और किस तरीके से पहुंचाई गई, इन सब चीजों का संज्ञान लिया गया है। उसी का नतीजा है कि आज बड़े पैमाने पर लगभग 13 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं जिसमें अयोध्या मंडल, देवीपाटन मंडल, बस्ती मंडल, ये तमाम जो बड़े बड़े मंडल हैं, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इन जगह के जो अधिकारी हैं उनका तबादला किया गया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो दौरा था और मुख्यमंत्री लगातार जो फीडबैक ले रहे थे अधिकारियों के बारे में और जिस तरीके से कोरोना काल में कुछ जिलों से लगातार शिकायतें आ रही थी उनको संज्ञान में लेते हुए ये ट्रांसफर जरूर किए गए हैं। आईपीएस अधिकारियों के भी कई लंबे वक्त से लखनऊ में तबादले किए जा रहे थे, तो उसके पीछे के बड़े कारण क्या मान सकते हैं?
जी देखिए, अगर तमाम चीजें देखी जाए कि जो भी अधिकारियों के तबादले हो रहे थे वो लगातार पीएम योगी जो क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे, खुद उन्होंने कमान संभाली और वो क्षेत्र में निकले और लगातार फीडबैक ले रहे थे कि अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में जो भी चीजें थी, पब्लिक में एक तो नाराजगी थी, कई जगहों से जो है शिकायतें आ रही थी, कई जिले पे थे जहाँ लॉ एंड ऑर्डर से लेके और ये जो चिकित्सा को लेके जो भी शिकायतें आ रही थी उसको संज्ञान में लिया गया है और इसीलिए इस तबादले लगातार जारी हैं। उम्मीद है कि अभी कुछ और तबादले और भविष्य में होंगे क्योंकि पूरा मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है और लगातार जो है फीडबैक उन्होंने जो लिया है उसके आधार पे ये अभी संभावना है कि और भी अलग अलग महकमों में ये तबादले जारी रहेंगे। मतलब यानी कि जिस तरह से सीएम योगी अब ग्राउंड पर उतरकर लगातार जायजे ले रहे थे, उसके बाद जो खामियां मिली हैं उसके चलते ही ये तबादले किए गए हैं और अभी और भी तबादले होने की आशंका जताई जा रही है जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया मार्तंड हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार तबादले, पहले आईपीएस अफसरों के भी तबादले लखनऊ में किए गए, उसके बाद डॉक्टर्स के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डॉक्टर चंद्रप्रकाश, डॉक्टर सतीश श्रीवास्तव संयुक्त निदेशालय अयोध्या मंडल बनाए गए हैं, डॉक्टर आशुतोष पांडे संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ के थे। इन तमाम बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनके तबादले किए गए हैं बड़े स्तर पर, जो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं योगी, तो उसके चलते ये तबादले किए जा रहे हैं और अभी और भी तबादले होने की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, पहली बारिश में ही खुली व्यवस्था की पोल, बारिश के पानी में डूबी डुबगा नवीन फल मंडी, सीवर चोक होने से मंडी में भरा गंदा पानी, किसान मंडी परिषद वसूलते हैं रकम। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहली बारिश में किस तरह से व्यवस्था की पोल खुली है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। बारिश के चलते दुबग्गा नवीन फल मंडी में अब पानी का जल भराव की जो समस्या है वो पैदा हो गई है, सीवर चोक होने के चलते ये पानी की समस्या पैदा हुई है। तो फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।